हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन और अब डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कह लीजिए या शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए यहाँ पर हम रेसीप्रोकल रूट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं ओके तो टॉपिक की हेडिंग डालिए रेसी रूट्स ओके तो चाहे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो ये सब में ये प्रॉपर्टी लगेगी रेसिप्रोकल रूट्स की ओके okay? तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तो अगर इसके रूट्स अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट वन अपॉन अल्फ़ा और वन अपॉन बीटा होते तो होता क्या है ये चीज़ इंटरचेंज हो जाती है मतलब नया इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाता है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो मतलब सी वाली पोजीशन ए पे चली गई और ए वाली पोजीशन सी पे आ गई है ओके okay, आइए देखते हैं ये होता कैसे है ओके okay, इस चीज़ को समझिए कि यदि मान लीजिए आपके पास में कोई वेरिएबल है जिसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सॉरी एक्स वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो अगर आपको रूट्स को अल्फ़ा को रेसिप्रोकल रूट्स बना अल्फ़ा में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो वेरिएबल है उसको x को वन अपॉन एक्स में शिफ्ट करना पड़ेगा ओके तो x को इंटरचेंज करके क्या कर दीजिए वन अपॉन एक्स तो ये क्या बन जाएगा a अपॉन कुछ भी नहीं x की जगह वन अपॉन एक्स है तो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वन इक्वल टू जीरो तो ये देखिए इक्वेशन आपके पास क्या आ चुका है ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो ओके okay, आपने देखा था इक्वेशन ये हमारा पुराना इक्वेशन था सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो फ़र्क क्या पड़ गया दोनों इक्वेशन्स में मित्रों फ़र्क ये पड़ा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के रूट क्या थे अल्फ़ा और बीटा और सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो के रूट क्या हैं इसके रूट हैं वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा तो फ़ायदा यह है कि हमको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी अगर हमको रूट्स ऐसे प्रोकल निकालने हैं तो हम लोग बड़े आराम से इनको अपोजिट करके इनके रूट्स निकाल सकते हैं आइए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं बेहतर बेहतर फिर डिस्कस करेंगे तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो कोई क्यूबिक इक्वेशन आपके पास मैं दे रहा हूँ फॉर सपोज एक्स क्यूब आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन मैं दे रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर ओके और प्लस फाइव एक्स माइनस टू फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो तो ये एक आपके सामने पे क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है और आपको मुझे बताना है कि अगर इसके रूट्स जो हैं ओके okay, इसके आपको मेरे को रेसिप्रोकल रूट्स का सम प्रोडक्ट निकालना है मतलब आपको मुझे निकाल करके देना है वन अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस वन पॉन बीटा गामा प्लस वन पॉन गामा अल्फ़ा ये मुझे निकाल करके देना है अब यदि मैं बात करूँ इसके ओरिजिनल रूट्स की तो इसके ओरिजिनल रूट कितने होंगे अल्फ़ा बीटा गामा ओके इसके ओरिजिनल रूट होंगे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा मैं आपके सामने कई मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड बताऊँगा कि कैसे कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ओके okay? तो यदि यहाँ देखा जाए तो ओरिजिनल केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सॉरी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं इस लाइन को मिटाता हूँ और मैं मेन चीज लिखूंगा कि यहाँ पर यदि इस इक्वेशन को देखा जाए सो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए सॉरी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू वन है ओके okay? बी की वैल्यू है माइनस सेवन c की वैल्यू है फ, प्लस का फाइव और d की वैल्यू माइनस का टू अब आप यहाँ से रिलेशनशिप्स आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना हुआ करता है माइनस बी अपॉन ए सो दैट विल बी प्लस सेवन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मैंने गलती कर दी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना था माइनस बी अपॉन ए होता है ओके okay, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा प्लीज़ सो वॉट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सो माइनस सेवन माइनस सेवन का प्लस सेवन अपॉन वन दैट इज इक्वल टू सेवन ओके फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए सो माइनस फाइव बाई वन एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉने मतलब प्लस टू बाई वन अब आइए डायरेक्टली यदि इस मेथड से हम निकालें इसको तो ये देखिए कैसे कल करना पड़ेगा हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा और ऊपर में हमारे पास यहाँ पे आएगा गामा यहाँ पे आएगा अल्फ़ा यहाँ पे आएगा बीटा तो कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है माइनस सेवन और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू है कितनी टू सो योर आंसर इज वॉट योर आंसर इक्वल टू माइनस सेवन बाई टू इज़ योर फाइनल आंसर एक चीज़ तो ये हो चुकी है ओके okay? थोड़ा सा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस सेवन था मित्रों यहाँ पे प्लस सेवन बाई टू कर लीजिए नाउ इट इज़ फाइन अब देखिए मैं एक और मेथड आपको बता रहा हूँ जिससे मैं आपको मेन हमारा इशू उसी मेथड को सीखना है यहाँ पर क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है आपने कर लिया मान लीजिए कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया इस बेसिस का तो फिर आप कैसे करेंगे है ना तो जानिए देखिए यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन दिया था वो क्या था एक्स क्यू माइनस का सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस का फाइव एक्स है और माइनस का टू है ओके इक्वल टू ज़ीरो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका कोफिशेंट है ए इसका कोपिशेंट है बी इसका कोपिशेंट है सी और इसका कोपिशेंट है डी ओके अब आप इसको रेसिप्रोकल करिए बहुत मजा आने वाला है रेसिप्रोकल करेंगे देखना फिर क्या हो जाएगा ओके ए बी सी डी कोफिशियंट हो गए रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स के प्लेस पे वन अपॉन एक्स रख रहे हैं तो सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन एक्स और माइनस का टू अपॉन वन इक्वल टू जीरो ये इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब में वन हो गया यहाँ माइनस सेवन एक्स हो गया यहाँ पर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस टू एक्स क्यूब इक्वल टू ज़ीरो अल्टीमेटली जीरो से मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा देखिए इसको यदि मैं एडजस्ट करके लिखूँ तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब ओके प्लस का फाइव एक्स स्क्वायर ओके और फिर कितना हो जाएगा माइनस का सेवन एक्स और फिर कितना प्लस का वन इक्वल टू ज़ीरो आप दोनों इक्वेशंस में देखिए ये ए बी सी डी था ओके okay. ये ए बी सी डी यहाँ पे बना हुआ है देखिए चेंज हो गया है जो डी था वो ए बन चुका है ओके जो डी क्या था टू था ये ए हो चुका है यहाँ पे ये बी हो चुका है सी और ये सी हो चुका है और ये डी हो चुका है मतलब कोफिशेंट जो है वो पहले ए बी सी डी आगे की तरफ से थे अब ये पीछे की तरफ से आप इसको लिख देंगे तो इक्वेशन आपके पास रेसिप्रोकल रूट का आपके पास में बन जाएगा ओके तो समझना यहाँ पे बहुत आसान है कि आपके पास जो रूट्स के उल्टे तरफ से लिख देंगे तो रेसिप्रोकल रूट्स बन जाएंगे मतलब यदि आपके पास में कभी भी कोई कहा जाए कि यदि कोई इक्वेशंस आपके पास सपोज यही पर दिया गया है एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव एक्स और माइनस का टू इक्वल्स टू ज़ीरो अब आपको पता लगाना है इसके रेसिप्रोकल के कोफ़िशेंट्स क्या होंगे तो यहाँ से ये ए बनेगा यहाँ से ये बी बनेगा यहाँ से ये सी बनेगा और यहाँ से ये डी बनेगा मतलब पीछे की तरफ से बनेंगे तो कोफ़िशेंट आपके किसके हो जाएंगे रेसिप्रोकल रूट्स के ए बी सी डी ओके तो अब आपके पास जो सम जीरोज़ आएगा वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा देखिए सम ऑफ द जीरोज कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए सो दिस विल बी माइनस फाइव अपॉन हाउ मच माइनस टू ये आ गया ओके सो माइनस फाइव अपॉन टू कितना आ गया ये फाइव बाई टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ओके ये हमारे पास कितना आ चुका है सम ऑफ द रेसिप्रोकल आगे क्या हुआ करता था प्रोडक्ट uh, बनता था ना सम ऑफ प्रोडक्ट वन अपॉन अल्फ़ा इंटू वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन बीटा इन वन अपॉन गामा प्लस वन अपॉन गामा इं वन अपॉन अल्फ़ा ये जो है हमारे पास अगर हम इसको रेसिप्रोकल रूट्स का प्रोडक्ट करके निकाल रहे हैं इक्वल टू कितना होता था सी अपॉन ए तो यहाँ से सी अपॉने आगे से नहीं लिखना आपको ओके पीछे से आपको देखना इधर से ए बी सी तो सी हालांकि दोनों तरफ से सेम बन रहा है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सी इज इक्वल टू कितना माइनस सेवन और ए क्या बनेगा यहाँ पर ए आपके पास बनेगा तो क्या बनता है जी ये माइनस सी अपॉन ए बनता है तो माइनस ऑफ माइनस सेवन अपॉन ए कितना है माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल योर आंसर इज माइनस सेवन बाई टू ओके तो आपका आंसर कितना आ गया है एक सेकेंड माइनस सेवन बाई टू तो नहीं आना चाहिए प्लस सेवन बाई टू आना चाहिए क्योंकि पिछले बार आंसर हमने प्लस सेवन बाई टू निकाला है ओके okay? तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कोई ना कोई मिस्टेक हुई है हमारे पास में तो फर्स्ट होता है माइनस बी या पाने एंड सेकेंड होता है प्लस सी अपाने ओके फॉर्मूले में मिस्टेक हो गई है ओके okay? कौन सा होता है प्लस सी बिकॉज अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉने सो यहाँ पे वन अपॉन अल्फा अल्फ़ा के क्लेस पर कौन खेल रहा है यहाँ पे वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा वन अपॉन बीटा वन अपॉन गामा क्योंकि जो नए रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो इनको मल्टीप्लाई करने पर सी अपॉने आएगा तो यहाँ से ए ये बी और ये सी सी है माइनस सेवन और अपॉन ए है माइनस टू तो आंसर कितना आ गया आपका सेवन बाई टू इज़ द करेक्ट आंसर ओके तो इसका करेक्ट आंसर कितना है इसका करेक्ट आंसर है सेवन बाई टू ओके okay. तो इसका करेक्ट आंसर है सेवन बाई टू चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर आपके पास में कोई इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इसके तीन नॉन जीरो रूट्स हैं इसके तीन नॉन जीरो रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा तो आपको मुझे बताना है कि वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा क्या होगा ओके बहुत कम मेहनत करके तो आप ये नहीं करेंगे कि सर एक काम करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो वो रिलेशनशिप तो हाई है एक वो रिलेशनशिप की भी बात कर सकते हैं आपकी सर इसको सॉल्व कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और नीचे अल्फा बीटा गामा तो यदि ओरिजिनल में बात की जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा इंटू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का आर ओके okay, क्योंकि माइनस का डी अपाने होता है ये क्यों बन गया मैं इसको मिटा देता हूँ आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए ओके सो ये इसलिए बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपाने तो माइनस बी की जगह यहाँ पे माइनस पी अपन वन दैट इज इक्वल टू माइनस बी एंड ये होता है कितना पे माइनस डी अपॉने देट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन वन इक्वल टू माइनस का आर अब यहाँ पे यदि वैल्यू निकालेंगे इन दोनों वैल्यू को यदि यहाँ पे प्लेस करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही देखिए <laughs> आपके पास वैल्यू आ रही है ऊपर है माइनस पी और नीचे है माइनस आर तो आंसर कितना आ गया पी अपॉन आर ओके आपके पास आंसर कितना आ चुका है पी अपॉन आर ए एक्स स्क्वायर ओके यस ओ वेरी सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गई मुझसे मैंने एलसीएम में गलती कर दी है ओके इसलिए ये बिल्कुल का बिल्कुल बहुत ही बड़ी वाली मिस्टेक हो गई अपन से चलिए इसको अपन रिमूव करते हैं इस मिस्टेक को ओके okay? चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो कैसे करना था हमें हमें क्या पूछा था आपने हमसे आपने पूछा था वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन कॉन गामा तो अल्फ़ा बीटा गामा नीचे तो ठीक आया था ऊपर कितना आ जाएगा ऊपर आया था बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फ़ा बीटा और नाउ दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक चीज़ और लगेगी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज़ इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए तो माइनस सी की जगह कौन खेल रहा है यहाँ पर क्यू खेल रहा है और अपॉन ए की जगह तो यहाँ पर ये चीज़ जो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल टू माइनस क्यू और अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा कितना है जी माइनस आर तो ये कैंसिल हो गया तो क्यू बाई आर ओके अब मैं चेक करता हूँ जी आंसर कितना आ रहा है क्यू बाई आर बट अभी भी कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर माइनस का क्यू बाई आर आना चाहिए ओके okay, माइनस का क्यू बाई आर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ओके तो वो भी मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं वो मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा ये माइनस सी अपॉन ए नहीं होता है इज इक्वल टू देखिए ये गलतियाँ इसलिए हो रही क्योंकि हम फॉर्मूला एक तरफ से नहीं लिख पाए हैं इसलिए मुझसे भी गलतियाँ यहाँ पर हो रही हैं प्लस सी अपॉन ए तो यहाँ पर क्यों आ जाएगा तो योर आंसर विल बी माइनस क्यू बाई आर अब सॉरी काफ़ी गलतियां कर दी इस सेगमेंट में मैंने उसके लिए सॉरी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर माइनस क्यू अपॉन आर जो कि एग्जैक्टली करेक्ट है तो ये मेरा मोटिव नहीं है कि आप इस तरीके से करें मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता था ये तो आपने सीधे मैथड से कर लिया है बट हमारे पास जो मैथड है वो क्या है हमारे पास जो मैथड है वो ये है देखिए जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास जो मेन इक्वेशन हमारा कितना है वो हमारे पास इक्वेशन लिखा है एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो तो अब यहाँ से देखिए जब आप स्टार्ट से चलते तो ए बी सी डी ये हुआ करता है बट यदि आप रेसिप्रोकल रूट की बात कर रहे हैं वन अपॉन अल्फ़ा वन अपॉन बीटा और वन अपॉन गामा की तो यहाँ से ये यह है आपका ए आपका बी ये आपका सी और ये है आपका डी तो आपको क्या चाहिए था आपको चाहिए था वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस बी अपॉन ए ये होता है ना तो बी कितना है माइनस का क्यू और ए कितना है आपके पास में ए यहाँ पे कितना है आर है ओके okay, तो आंसर कितना आ गया माइनस क्यू अपॉन आर आप देखिए आपको कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी है और इससे आंसर बहुत जल्दी आ चुका है मतलब जस्ट होना क्या है कि आपके रूट्स जो होते हैं पलट जाते हैं तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं बड़े मज़ेदार क्वेश्चन टाइप के और वो शॉर्ट ट्रिक एक तरीके की हमारी बनेगी तो आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो और आपको क्वेश्चन आ गया है कि वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा की वैल्यू निकालिए तो मतलब रू रूट्स रेसिप्रोकल रूट्स का सम निकालना है तो इधर से चलिए ये ए है ये बी है ये सी है, है और ये डी है तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए तो माइनस ऑफ माइनस फिफ्टीन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है चार तो आंसर आएगा फिफ्टीन बाई फोर है ना कमाल की टेक दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं मज़ा आएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ओके okay. क्वेश्चन है आपके पास मान लो सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स सेवन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो आपको निकालना है वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा ओके सम ऑफ द जीरोज़ निकालना है तो देखिए यहाँ से उल्टा हो जाएगा ये बन जाएगा ए ये बन जाएगा बी ये बन जाएगा सी और ये बन जाएगा डी तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए तो माइनस ऑफ माइनस टू अपॉन में माइनस फोर तो आंसर कितना आ गया माइनस वन अपॉन टू तो है ना कमाल की ट्रिक दोस्तों तो करना क्या है मेनली हमको इस ट्रिक में ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर इसको ऐसा मत लिखिए नहीं कंफ्यूज होंगे आप लोग अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स क्यूब प्लस नहीं क्यूबिक है पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर टी ले लीजिए इसको इसकी फॉर्म का है इक्वल टू जीरो है जिसके रूट्स हमारे पास क्या हैं अल्फ़ा बीटा गामा तो यदि हम वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा और वन अपॉन गामा रूट चाहते हैं ओके तो काउंटिंग कहाँ शुरू होगी ये बनेगा ए ये बनेगा बी ये बनेगा सी और ये बनेगा डी तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसको ध्यान में रखिएगा जरूर कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है कि मेरे पढ़ाने से आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है गेन हो रहा है तो आप ज़रूर रिकमेंड कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताइए धन्यवाद <laughs> ओके दोस्तों देखिए अब अंत अंत में बहुत ही एक अच्छी मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ जो भी बहुत काम का है आपके वो काम का फार्मूला ये है कि अगर नॉर्मली आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करने को आ जाए ओके okay, तो आप बहुत मेहनत करेंगे इसको ओपन करने के लिए अब मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ओके प्लस थ्री ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए ये एक फॉर्मूला है थ्री ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए यदि मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन आ जाता वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा का होल क्यूब ओके तो आप इसको कैसे करते तो आप इसको करते वन अपॉन अल्फ़ा का क्यूब मतलब वन बाई अल्फा क्यूब प्लस वन बाई बीटा क्यूब प्लस वन बाई गामा क्यूब प्लस थ्री ओके कितना आ जाता है देखिए ये ये हमारे पास आ जाता वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा प्लस इंटू वन अपॉन गामा प्लस वन अपॉन अल्फा जिसको मैं लिख सकता हूँ थ्री अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा ओके एंड बीटा प्लस गामा अपॉन बीटा गामा एंड गामा प्लस अल्फ़ा अपॉन गामा अल्फा तो ये भी एक बहुत पावरफुल का रिजल्ट का काम करता हम लोग के लिए इसको आप लोग नोट कर लें